हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रॉक बाबा। गेम वीक पता नहीं कौन सा चल रहा है, 16 17 18। कुछ टीम्स का 16 है, कुछ का 17 है, कुछ का 19 है, कुछ का 18 है, क्योंकि बहुत सारे जो मैचेस हैं वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए हैं। तो इन कंपनी ऑफ गुरुजी, लवली गुरुजी, जिनको मुझे बहुत गालियां पड़ी हैं बिकॉज फरान टोरेस इस कमिंग टू बार्सिलोना, और हम भूल गए कि राइट बैक डानी एल्वेस भी है बार्सिलोना में। बट यार तो वो ठीक है यार, तुम राइट बैक, वो तुम उसको अगर फर्स्ट टीम राइट बैक के हिसाब से सोच रहे हैं लोग तो क्या ही बोले। आई एम प्रिटी श्योर मैं भी विनायक वो भी यही सोच रहा होगा कि भाई ये लालीगा में नहीं भाई, टीम लाइक बार्सा की ऐसी कंडीशन है कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि वही हो अगर फर्स्ट टीम, मतलब हमारा स्टार्टर राइट बैक कोई है ही नहीं, और लाइक लेजिट ऐसी सीन है। विनायक है पोजिशनल प्ले पॉडकास्ट से। पिछला अगर आपने देखा हो विनायक के चैनल पे अगर हमारा पॉडकास्ट, तो पोजिशनल ठीक प्ले तो कम ही था उसमें। पोजिशनल प्ले हाँ, कम था, पॉडकास्ट ज्यादा मैं कुछ देखा, मैंने बोला यार ये तो क्या बातें हो तो रही बहुत डीएम आए, बोले कि यार बाबा आप क्या फुटबॉल डिस्कस करते हो, यही सब किया करो, मजा आता है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोशिश करेंगे वो, लेकिन कभी कभी मूड बनता है। तो आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रीमियर लीग की, और एक दो फिक्स्चर्स जो लालीगा में लगते हैं कि माइट बी गुड और या फिर थोड़ा एक्साइटमेंट ला सकते हैं। यार तो बताओ, वैसे लालीगा तो को देखो इतने डस्टेड सारे बनाना। मैचेस हैं जो अभी तक पोस्टपोन हो चुके हैं कोविड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बाप रे। तो दैट इज तो इट, द पॉडकास्ट इज डन गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग गजब है, इन, गजब। कीप योर आईज पील्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन मतलब डू यू थिंक कि लीग को रोक देना चाहिए अभी थोड़ा टाइम, जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं, या चल रही है तो सही चल रही है? देख मेरे हिसाब से तो यार देर आर टू साइड्स टू द कॉइन हियर। वन साइड टू द कॉइन इज कि मतलब अगर तुमने लीग को रोक दिया सो इट विल बी बैक टू दैट होल स्ट्रक्चर, जो मतलब द फॉल आउट दैट हैपेंड, बिजनेस फॉल आउट दैट हैपेंड लास्ट सीजन, ठीक है, जो लॉसेस हुए एंड वो लॉसेस को रिकवर करने के लिए मतलब स्टार स्टार्टेड यू नो वी द स्पेंडिंग पावर ऑफ क्लब स्टार्टेड डिक्रीजिंग अ लॉट, ठीक है। सो दैट्स वन साइड ऑफ द कॉइन। द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज कि अगर तुम जो लीग चला भी रहे हो तो फाइनली मार्केटिंग पर्पसेस से सामने तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर जो देख रहा है प्रोडक्ट, इज दैट प्रोडक्ट गुड, दैट प्रोडक्ट इजंट गुड, तो जस्ट स्टॉप इट देन फॉर अ वाइल, जस्ट स्टॉप इट देन फॉर अ वाइल एंड देन रिज्यूम इट। बट द थिंग इज इवन इफ यू डू दैट, कोई गारंटी नहीं है कि भाई रिजम्पशन के टाइम पे थिंग्स विल बी बेटर, बिकॉज थिंग्स आर वर्सनिंग डे बाई डे इन यूके, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो राइट नाउ, थिंक राइट नाउ इट्स इट्स बोल्ड, इट्स अ बोल्ड कॉल टू प्रॉब्ली स्टॉप इट, ठीक है, बिकॉज जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है, बिकॉज एज आई सेड, जैसे एक्सप्लेन किया, देर आर टू साइड्स टू द कॉइन हियर। विनायक क्या लगता है? सेम भाई मतलब सिमिलर ही है, पर मैं तो भाई फुल कैपिटलिस्ट मूड में, चलाओ भाई गेम सीधा, 26 को है भाई, टाइम पास कैसे होगा भाई, करो भाई गेम, आई डोंट केयर कितने मिलियंस ले रहे हैं भाई, कितने मिलियंस कमा रहे कांटे, भगाओ भाई। कोविड, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये कोविड है हो रहा है बेरहमी, लेकिन भगाओ। ये वो है बेरहमी। तो ये विनायक मतलब वो है पूरा, जैसे इसने खुद ही बोल दिया, एक्सप्लॉइट करना है, एक्सप्लो, हाँ एक्सप्लॉइट बिल्कुल, करके ऑप्रेसिव वो होते हैं ना, स्लेवर्स। ब्रिटिश राज की याद दिला दी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बर्नली एवर्टन बहुत ही लैकलस्टर गेम, ज्यादा इस पे मेरा मन नहीं है बात करने का। प्रिडिक्शन यार स्ट्रेट अप, कुछ नहीं और। शोंडाइश, एवर्टन कैन एज इट 1-0, शोंडाइश, शॉन्डाइश। आप एवर्टन नहीं जीतेगी भाई, बर्नली कॉम्पैक्ट हराम बॉल दबा के। तो शॉन्डाइश 0-0 ड्रॉ, तो तीन तीनों अलग हो गए, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट इज मैन सिटी लेस्टर।
यार लेस्टर कैसी मतलब बॉटल टीम बिल्कुल ही बॉटलर है यार बॉटल टीम है भाई सही में यार मतलब मैं और गुरुजी कल सोए हैं 3:30 बजे मैच देख के चेल्सी ब्रेंटफोर्ड का साथ में देख रहे थे और डिस्कॉर्ड पे साथ में देख रहे थे डिस्कस वर्क विस्कस करते हैं सोए अरे बहुत फनी चीज हुई पता है कल जब हम डिस्कस करके सो गए ना हमने डिस्कस किया बोला कि अरे ये तो लेस्टर जीत गई 3-2 ठीक है भाई वन फुटबॉल का नोटिफिकेशन आ गया था भाई मुझको कि आर्टिकल लिख दिया था वन फुटबॉल पे कि भाई लेस्टर हैव सिक्योर्ड देयर स्पॉट इन द नेक्स्ट स्टेजेस नोटिफिकेशन आ गया था भाई लिटरली ठीक है आर्टिकल आ गया था वन फुटबॉल पे उसके बाद मैं देखा आर्टिकल चेक करो इमीडिएटली उस टाइम पे 365 स्कोर्स पाया 3-3 लिवरपूल अरे यार अरे जर्नलिज्म लेस्टर तो भैया जीत गया कुछ नहीं कर पाती ऐसा क्या हुआ है विनायक मतलब इस सीजन लेस्टर को क्यों इतना स्ट्रगल किया हमने स्ट्रगल कई रीजंस है एक तो देखो कह सकते हो कि जेन्युइनली ब्रेंडन रॉजर्स की टीम ने स्ट्रगल करा है सॉर्ट ऑफ जब उसे गेम्स पकड़ने चाहिए थे देन दे हैव थ्रोन दोस गेम लाइक लास्ट सीजन तो टॉप फोर दे शुड हैव बीन इन टॉप फोर लाइक ऐसी चीज थी पर नहीं कर पाया आखिर तक उससे पहले भी यही सेम इससे पहले सीजन में भी सिमिलर सिचुएशन थी अब इन्होंने यहाँ पे भी यही करा है मतलब ये सॉर्ट ऑफ वो बन चुका है ट्रेंड अब जैसे जैसे वेलवर्दे का हो गया था रोमा एनफील्ड ये सब मैचेस हो रहे थे आई थिंक सॉर्ट ऑफ ब्रेंडन रॉजर्स भी सॉर्ट ऑफ वो वॉल हिट कर गया मे बी समवेयर एल्स व्हाटएवर लाइक आई डोंट सी हिम लाइक टेकिंग दिस अ स्टेप फॉरवर्ड नाउ लाइक ही हैज डन वेरी गुड यहाँ तक ले आया लाइक गुड स्क्वाड बढ़िया सब मे बी नाउ इस टाइम चाहिए लाइक दिस स्क्वाड इज भाई बहुत बेटर है इससे जो वो करती हरकत है इट इज मच मच बेटर देन दिस और वार्डी अभी भी मार ही रहे भाई कितने साल का होगा पता कल फिर शायद 2 गोल मारे वार्डी ने उससे पहले भी गोल मारे थे उसने न्यूकासल के अगेंस्ट तो वार्डी तो है ही फॉर्म में बट ऑन द अदर हैंड यू हैव मैनचेस्टर सिटी जो कि भूत बना रखा है जिसने सबको अभी जो रुकती नहीं है भाई और मतलब रिलेंटलेस इज द वर्ड सही में बिल्कुल भी मतलब आपको स्निफ भी नहीं दे रहे हैं ये एक होता है ना कि स्निफ दे देना कि बच गए ग्राइंड ये ग्राइंड भी नहीं कर रहे रिजल्ट फोड़ ही रहे हैं सामने वाले मतलब एक दो मैचेस को छोड़ दें अगर एक वो वुल्स वाला छोड़ दें या मतलब एक वो ड्रॉ हटा दो साउथहैम्पटन वाला तो उसके अलावा भाई जो भी मैच ये इन्होंने मतलब आई थिंक रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने कैलेंडर ईयर में 34 विंस का व्हिच इज अ न्यू प्रीमियर लीग रिकॉर्ड अवे 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 विंस शायद कुछ ऐसा हाँ कुछ मतलब ऐसा कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाया मैं पढ़ रहा था कहीं पे तो एब्सोल्युटली अमेजिंग उस टाइम में 106 गोल स्कोर करे भाई दिस इज वन ऑफ द लाइक दिस इज लेजिट वन ऑफ ऑल टाइम ग्रेट्स टीम लाइक इस लेवल दिस इज दैट तो मतलब इस पे कितना ही बोलो कमी है लाइक दैट्स व्हाट देयर लेवल इज और प्रीमियर लीग में किसी भी टीम से कंपेयर करोगे तो यू कैन लाइक इजीली से कि दे आर अ स्टेप अबव लाइक विदाउट अ डाउट इज देयर एनी चांस फॉर लेस्टर इन दिस गेम गुरुजी कोई भी चांस है क्या लेस्टर के पास इस गेम में नहीं मुझे नहीं लग रहा कि वेरी ब्रीफ आंसर आई डोंट थिंक सो दे हैव एनी चांस टू बी ऑनेस्ट मैन सिटी में भी ऐसा कुछ फिटनेस इश्यूज है नहीं फॉर सम की प्लेयर्स ऐसे तो है नहीं कुछ ठीक है लग्जरी ऑफ रिचेस है प्रॉपरली अभी एंड एवरीबॉडी इज इन फॉर्म बेंच से भी लेके आ जाओगे लोगों को तो वो भी गोल मार देंगे वैसा टाइप सीन है उनका सो आई डोंट थिंक सो लेस्टर हैव एनी चांस इन दिस गेम I will not say कि अगेन मैं वापस नहीं बोलूंगा कि thrashing नहीं होगी and all because जब मैं बोलता हूँ वो चीज तो हो जाती है हाँ तो I'll just say it it's a very comfortable win for Manchester City ये देखो बोल दो thrashing ताकि अगर उल्टा होता तो चेल्सी के लिए फायदा नहीं बट ऑन पेपर तो बहुत कंफर्टेबल लग रहा है भाई मैनचेस्टर नहीं ऑब्वियसली आई थिंक लेस्टर का भाई लेस्टर वर डाउन्ड बाय अ टीम ठीक है आई अंडरस्टैंड दैट सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट फर्स्ट टीम वाले लोग आ गए थे अगेंस्ट लिवरपूल जोटा मारा बट स्टिल मिनामिनो स्कोर्ड दैट इक्वलाइजर ठीक है एंड द पर्सन हु वाज सेविंग द पेनल्टीज इज आल्सो देयर
कौन सा कीपर पता नहीं, थर्ड चॉइस कीपर है, हाँ थर्ड या सेकंड चॉइस कीपर आई लाइक रिजर्व कीपर ही है देन. तो आई मीन इट्स योर फर्स्ट टीम व्हिच हैज प्लेड द ऑलमोस्ट द फुल 90 मिनट्स लेस्टर के लिए एंड यू गाइस कुडंट स्टिल डिफीट लिवरपूल हु वरंट एग्जैक्टली फुल स्ट्रेंथ गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर फिक्स्चर. सो आई डोंट सी एनी रे ऑफ होप बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिजल्ट. आई डोंट सी एनी रे ऑफ होप फॉर देम इन दिस फिक्स्चर एज वेल. प्रेडिक्शंस 2-0 3-0 टाइप विन फॉर मैन सिटी. सबका यही होना चाहिए मेरे ख्याल से. लेस्टर एक दो गोल मार देगी मेरे ख्याल से. एक दो बी 4-2 समथिंग. हां एक दो 4-2 4-1 ऐसा कुछ सॉर्ट ऑफ 3-1 मैं बोलता हूं 2-0 2-0 क्लीन 2-0 टाइप मतलब कोई बिना किसी दिक्कत वाला. चलो नेक्स्ट आते हैं विनायक के फेवरेट टीम पे. विनायक नहीं भाई लेट्स ब्रिंग इट नॉर्विच. नॉर्विच हां भाई आई थिंक आर्सेनल शुड टेक दिस वन. मतलब अवे फॉर्म ऑल्दो आर्सेनल का खराब रहा है बट स्टिल नॉर्विच अभी नॉर्विच को अब नहीं हराएंगे तो कब हराएंगे. और मतलब बहुत अच्छा खेल रही है आर्सेनल पिछले 3 गेम से. अच्छा काम कर रहा है मिकेल आर्टेटा. विनायक सुन ले. get in बॉयज. यही बोलवाना चाहता है ना तू मेरे से अपने पॉडकास्ट exactly. आपके पॉडकास्ट भी अब डिक्लेयर हो गया. चलो गेट इन. नहीं अच्छा जहां नहीं देखो जहां पे क्रेडिट देना चाहिए वहां देते हैं. हम ऐसे हम बायस होके कुछ नहीं बोलते. अनबायस रहने की कोशिश करते हैं जितना हो सके. एवर्टन से हारना वॉज स्टूपिड इन माई ओपिनियन बट उसके बाद रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया आर्सेनल की तरफ से. वो साउथहैम्पटन को हराया, वेस्ट हैम को हराया, फिर एकदम वन साइडेड विक्ट्री अगेंस्ट संदरलैंड टीम विद देयर सेकंड स्ट्रिंग स्क्वाड. तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं ये. आई थिंक आर्सेनल टेक्स दिस वन काफी कंफर्टेबली बट स्टिल इफ आर्सेनल आर टू ड्रॉप पॉइंट्स इन दिस वन देन यू हैव टू क्वेश्चन देयर मेंटेलिटी एंड कहीं ना कहीं मतलब वो फिर वो अपने जेपर्डाइज कर देंगे जो टॉप फोर का हल्का फुल्का. आई थिंक लाइक वो हमने जब आपके चैनल पे किया था आई डोंट रिमेम्बर पर हमने एक बार बात करी थी और तब मैं बोल रहा था कि आर्सेनल की प्रॉब्लम ही है अवे फिक्स्चर और दे आर नॉट एबल टू डू द सेम थिंग्स लाइक प्रेस नहीं कर पा रहे, अच्छी क्वालिटी नहीं दिखा पा रहे. दिस विल बी अवे और ऊपर से दिस विल बी अ लो ब्लॉक. और मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्सेनल के साथ अभी तक इस सीजन दे विल नॉट बी वेरी गुड अगेंस्ट लो ब्लॉक अगर वो प्रेस अच्छे से नहीं करते. बट नॉर्विच यार ठीक है नॉर्विच इज लाइक टू फार बिलो डाउन द टेबल एंड टू बिलो आर्सेनल स्टैंडर्ड्स टू प्रोबब्ली फॉर आर्सेनल टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर फेसेट ऑफ देयर गेम. बिकॉज अगर लो ब्लॉक भी है इंडिविजुअल पर्सनल एंड फॉर्म के हिसाब से भी आई नो डीन स्मिथ ने एक छोटा चिंगारी जलाया बट वो चिंगारी ही है. चिंगारी अब तक वो फायर नहीं बना है. आग नहीं पकड़ पाई. फायर नहीं बना है नॉर्विच में. समझ तो रहा बट वही है मतलब सेम सिचुएशन थी बीच में जो गेम से लाइक एवर्टन में आने से पहले भी मैं था कंफर्टेबल विल विन दिस पर फिर वो थी हरकत करी दी मतलब दे डू दिस सम ऑफ दीस प्लेयर्स हैव दिस जीन इन देम ऑलमोस्ट. बट एवर्टन ऑल्सो प्ले गुड प्ले रियली वेल ऑन द काउंटर. नो नॉर्विच का तो मैं ऐसा अभी बोल भी नहीं सकता कि स्ट्रेंथ क्या है लाइक लेजिट स्ट्रेंथ क्या है उनका. लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट दे कुड हैव लाइक गॉन एंड गेट गॉट अ बट दैट्स जस्ट वन गेम. नो लाइक यू कांट बेस योर लाइक दैट वन आर्गुमेंट. आया ये तो कि मतलब वही है ट्रेंड की बात नहीं है लाइक आर्सेनल अगेन ट्रेंड की बात है नहीं लाइक नॉर्विच डजंट हैव अ ट्रेंड जो मेरे को बोले कि दिल बी अ प्रॉब्लम. बट आर्सेनल के पास ट्रेंड है कि अवे गेम्स में दे आर नॉट वेरी गुड लो ब्लॉक्स अगेंस्ट दे आर नॉट वेरी गुड. दैट्स वो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लाइक आई दैट्स व्हाई आई फील इट्स इट्स बी अ विन. आई एग्री बट प्रॉब्लम हो सकती है बी अ विन बट आई थिंक बिकॉज ऑफ व्हाट आई एग्री विद व्हाटएवर विनायक हैज सेड रिगार्डिंग द लो ब्लॉक वाला सीन. मुझे वही लग रहा 2-0 1-2-0 टाइप जीतेगी आर्सेनल. मतलब जीतेंगे बट मेहनत करनी पड़ेगी. आई एम गोइंग विद अ 2-1 आर्सेनल विन. एक मतलब एक शायद ले जाए पुक्की. नॉर्विच गोल मारेगी अगेंस्ट एन आर्सेनल डिफेंस व्हिच वाज प्रीटी वेल रेस्टेड व्हिच कम्स वेरी वेल रेस्टेड. आई डोंट थिंक द सैंडलैंड का अगेंस्ट उनका फर्स्ट टीम डिफेंस खेला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो हां तो आई थिंक दे विल कम वेल रेस्टेड फॉर दिस गेम. सो आई थिंक क्लीन शीट मिल सकता है.
बट अगर नहीं भी मिला तो जीत तो जाएगी आर्सेनल, वही है। आर्सेनल विन, वी ऑल एग्री। स्पर्स क्रिस्टल पैलेस, स्पर्स भाई बढ़िया गेम अगेंस्ट लिवरपूल, मजा आया कॉन्टे को देख के। मतलब उसने ही हैड मतलब जेन्युइनली इट्स नॉट इंडिविजुअल्स डिडंट विन द बैटल, ही वन द टैक्टिकल बैटल ओवर क्लॉप। ठीक है, इजीली आई थिंक स्पर्स की फिनिशिंग लेट देम डाउन इन दैट गेम। स्पर्स की फिनिशिंग लेट देम डाउन एंड मतलब उसका एक चीज, आई विल नॉट गो इनटू डीप डाइव ऑफ क्या ऑफ द होल एनालिसिस ऑफ द गेम, बट एक चीज मुझे बहुत पसंद आई थी उस गेम से कि द वे ही उसने बोला अपने स्ट्राइकर्स को कि भाई तुम मेरे उसने मेरी मिडफील्ड को तू गार्ड करके रख सेंटर में, स्ट्राइकर्स कभी वाइड मैन को कभी जाएंगे नहीं प्रेस करने के लिए, वी लीव दैट फॉर डेले अली एंड एंडोम्बेले। एंड जब डेले अली और एंडोम्बेले कर रहे थे तो उसको उसने अट्रैक्ट कर लिया कि भाई तुम ना ऐसा एक काम करो कि तुम्हारे वाइड मैन अभी आगे चले जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि चलो वाइड मैन जो डेले अली एंडोम्बेले जब प्रेस कर रहे थे पीछे, दे वर लीविंग स्पेसेस, तो उनको लगा कि रॉबर्टसन और ट्रेंट अलेक्जेंडर विल एक्सप्लॉइट दो स्पेसेस एंड वो सेंटर बैक्स को उसने वाइड कर दिया। और जब सेंटर बैक्स को वाइड कर दिया तो सेंटर बैक्स के बीच में ये दोनों खेल रहे थे मस्त से, हैरी केन और सॉन ऑन काउंटर्स, ठीक है, क्योंकि सेंटर बैक्स के बीच में इतना ज्यादा स्पेसेस था। एंड आई थिंक तो एक आई थिंक वन ऑफ दोज गोल्स केम बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टैक्टिक, दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस बिकॉज ऑफ दिस। वो बहुत अच्छी सोच थी, इट वॉज अ वेरी बोल्ड मूव बिकॉज येस ऑब्वियसली इफ यू आर लीविंग यू आर आस्किंग डेले अली एंड एंडोम्बेले टू कम प्रेस योर विंग बैक्स, टू कम प्रेस द ऑपोजिशन विंग बैक्स, देन तुम मिडफील्ड में बहुत स्पेसिस लीव कर रहे हो, तो वो तो बोल्ड मूव है, बट डेफिनेटली अपने अटैकिंग ट्रांजिशन के हिसाब से और अपने प्लेयर के स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने अटैकर्स का स्ट्रेंथ जो है दैट इज काउंटर्स, ठीक है, वो समझ के ये टैक्टिक अपनाना अगेंस्ट लिवरपूल साइड, it was very good, was very good, and Liverpool were keeping a very high line as well, so that actually benefited these two players as well. मुझे एक बात नहीं समझ में आई, even when Liverpool ने देखा कि दो गोल मार दिया है Spurs ने, फिर भी वो लोग high line पे ही खेल रहे थे, तो थोड़ा वो समझा नहीं मुझको, but as I said, must game by Conte, tactical battle won comprehensively. और मेरे को पता है क्या लगता है, लिवरपूल का ये सिस्टम डज नॉट वर्क व्हेन वैन डाइक इज नॉट देयर, क्योंकि वैन डाइक से डिफेंसिवली नहीं बट जो वो पीछे से बॉल प्लेइंग एबिलिटी है ना उसकी, उसको मिस करती है लिवरपूल, तो डायरेक्ट जो होता है ना प्ले लिवरपूल का वो वैन डाइक के बिना कभी कभी बन नहीं पाता। यू सी दोस डायगोनल बॉल्स फ्रॉम वैन डाइक और ट्रेंट मेकिंग दोस बस्टिंग रन्स अप फ्रंट, तो वो एक बड़ी मतलब चीज थी जो मिसिंग, डायगोनल बॉल्स तो नहीं बन रहे बट वो जोएल मैटिप के वो ड्राइविंग रन्स हैं, वो लाइन ब्रेकिंग पासेस हैं, बट ही इज नॉट एनी वैन डाइक, मतलब ही स्टिल अ लिटिल बिट स्लो व्हाइल कवरिंग आल्सो, तो वो जोएल मैटिप और द अदर सेंटर बैक दैट वाज प्लेइंग इन दैट पर्टिकुलर गेम, वो दोनों बहुत एक्सपोज हुए थे। आई थिंक लिवरपूल प्लेड इन द हैंड ऑफ स्पर्स, मतलब वो उनके स्ट्रेंथ पे खेल गए तो फायदा हो गया। वही तो है, वही तो इसलिए मैं भी ये गेम में भी सोच रहा हूँ कॉन्टे इज जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ दे प्लेड एंड ऑल्सो दे लुक्ड वेरी वेल रेस्टेड, वो एक बहुत बड़ी चीज थी, दे लुक्ड वेरी वेल रेस्टेड अगेंस्ट लिवरपूल, ठीक है, एंड नाउ कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गेम एंड नाउ वेस्ट हैम के अगेंस्ट भी वो लोग जीते, ठीक है, तो वेस्ट हैम अनदर टॉप टीम करंटली इन द प्रीमियर लीग, उसके अगेंस्ट भी जीते, सो बहुत कॉन्फिडेंस लेके आएंगे अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। आई नो क्रिस्टल पैलेस को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, बट आई थिंक दे कैन गेट अ रिजल्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस एंड द वे दे हैव प्लेड इन दीज पास टू गेम्स। Vinayak, again, मतलब, do you see Crystal Palace posing a threat of any sorts for Spurs? मुझे नहीं लगता। Definitely, मेरे को तो लगता है करती है भाई। Eric Dier और ये सब हरकत है इनके अंदर अभी भी। मतलब, they are not Conte players, like to be very honest। Conte को जैसे ही पैसा मिलेगा मौका, they are gone। वो तो guaranteed बात है। और Crystal Palace भाई अच्छी proper side, it's a proper, like they'll go to do. तो कर सकती है गाइस, लेकिन मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बन जाता हूं, आई विल गो विद अ ड्रॉ। यू विल गो विद अ ड्रॉ। गुरुजी आप? स्पर्स विन। मैं भी स्पर्स विन के साथ जाऊंगा, आई थिंक 2-1 टू स्पर्स, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रावेगेंट नहीं। तो नेक्स्ट, ज्यादा इस पे समय नहीं लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है वेस्ट हैम,
अभी रिसेंटली मतलब फॉर्म डिप हुआ है उनका. साउथहैम्पटन भी मतलब वो स्टॉप स्टार्ट ही रहा है उनका सीजन भी. क्या हुआ एकदम से, वेस्ट हैम का मोजो कैसे खत्म हो गया? वो आई डोंट नो, उनका मोजो ही आई थिंक टॉप टीम्स है, लाइक व्हेन दे प्ले टॉप टीम्स तो देयर शिट वर्क्स, लाइक तब वो क्लिक करते हैं जो उनका है सॉर्ट ऑफ, लाइक दे आर द बेस्ट टीम टू प्ले अगेंस्ट टॉप टीम्स लाइक अपार्ट फ्रॉम अदर टॉप टीम्स. पता नहीं भाई, पर हां मैंने इतना फॉलो भी नहीं किया वेस्ट हैम को अपार्ट फ्रॉम दोस लाइक बिग गेम्स. तो फिर हां राइट नाउ इट्स जस्ट द फैक्ट, हां राइट नाउ I don't know. Maybe players are tiring in that system. Maybe other teams are getting that system right. He's not changed. He doesn't have too much squad depth to actually rotate with. To, मतलब rotate with मतलब कि वो जो first team हो जो pick करता है उसको equally वो लोग substitute कर पाए, ठीक है, या equally replace कर पाए. Bench पे भी जब मैं देखता हूँ bench पे ऐसे लोग है नहीं जो इक्वली वही पोजिशन वही प्लेयर प्रोफाइल को वो जस्टिफाई कर पाए. डूसन व्लाहोविच इज नॉट अ स्ट्राइकर, डूसन व्लाहोविच इज एन इनसाइड फॉरवर्ड, बट ही वाज ब्रॉट इन एज अ रिप्लेसमेंट फॉर मिचेल मिकेल एंटोनियो, सॉरी, बट ही इज नॉट अ स्ट्राइकर, बट ही इज काइंड ऑफ व्लाहोविच, लाइक मैंने व्लाहोविच सुना, नॉट व्लाहोविच, और नहीं वो नाम क्या है उसका, मैं नाम मैं सो एक भाई मेरे पेज खो गए थे भाई अभी, मैं व्लाहोविच का से नहीं, अरे यार फ्लोरेंटिना वेस्ट हैम मेकिंग मूव्स, बार-बार दोनों को कंफ्यूज करता हूं ब्रो, रुक जा, बट आई थिंक यू गेट माय पॉइंट. वो कौन सा स्ट्राइकर के, मेरे को तो ये भी लगता है भाई इनके पास डेक्लन राइस के अलावा दे डोंट हैव अ डीसेंट मिडफील्डर, लाइक डेक्लन राइस वेरी गुड हाई लेवल टॉप लेवल, और उसके बाद बस कोई लाइक आई डोंट सी एनीबॉडी हु इज लाइक, सूचक भी ठीक है, लाइक सूचक इज सूचक इज लाइक अ पोचर फॉर अ मिडफील्डर, लाइक वो अगर इफ यू क्या है वो, लाइक ही इज मोर ऑफ अ मूवर, लाइक आई थिंक कि अगर कहीं ना कहीं इफ दे चेंज सम थिंग्स इन मिडफील्ड वगैरह लाइक तो दे लुक मच बेटर, लाइक अभी तो सिर्फ डेक्लन राइस है, प्रोग्रेशन वो है सब कुछ वही है, सूचक तो पोचर है, मिडफील्ड का पोचर है, इज पोचिंग फ्रॉम मिडफील्ड. हां हां एग्जैक्टली भाई, गजब है भाई सूचक, बट सूचक का भी ऐसा मतलब वो बॉक्स टू बॉक्स आता है एंड देन सेट पीसेस में थ्रेट है, दैट इज लिमिटेड है भाई, बहुत हद से ज्यादा लिमिटेड ऑन द बॉल, लाइक व्लासिच, या व्लासिच निकोला व्लासिच, हां व्लासिच मैं वही सोच रहा था. अरे ये भाई ये जो नाम है ना ये सब व्लासिच व्लाहोविच ज्यादा हो जाते हैं, बट या दैट्स द पॉइंट. चलो आपने अभी अभी करेक्ट कर दिया वरना फिर सब पीछे पड़ जाते हैं. अरे यार हां भाई, नहीं तो कमेंट पे वापस आ जाते इतने भाई, कितने अनप्रोफेशनल हो आप भाई, ये नहीं चलना चाहिए, टारगेट भी तो कर रहा है ना व्लाहोविच, बट जाएगा नहीं ना भाई, व्लाहोविच तो टॉप टीम, ही विल गो फॉर अ टॉप टीम, व्लाहोविच भाई ही इज लाइक हैविंग अ किलर सीजन विद फ्योरेंटिना भाई, हर गेम में मार रहा है भाई लिटरली. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, व्लाहोविच की जब हाइप बनी थी लाइक स्टार्ट ऑफ द सीजन, तब ही हैड पेनल्टीज, लाइक लॉट्स ऑफ पेनल्टीज, तब ही वाज लाइक यू कैन से कि नॉट अ गुड प्रोस्पेक्ट स्ट्राइकर्स के सेंस में. अब बनी है उसकी, लाइक नाउ ही हैज लाइक स्टार्टेड टू पुट नंबर्स जो लाइक स्ट्राइकर्स को यू विल ट्राई टू जज देम ऑन, अच्छे एक्सजी नंबर्स और ये सब, पर अब सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं मतलब हाइप तो है उसकी की सॉर्ट ऑफ, पर तब अनजस्टिफाइड थी, अब दिख रहा है कि नाउ यू कैन सी कि लॉविच, हां अब है कि नाउ यू कैन सी प्रॉपर जज, बट कमिंग बैक टू दिस गेम बाबा, आई थिंक वेस्ट हैम विल स्टिल टेक इट, कैन टेक इट, इट विल बी ईदर अ वेस्ट हैम विन और अ ड्रॉ, दैट्स व्हाट आई फील. वेस्ट हैम जीतेगी तो इंटरेस्टिंग रहेगा, प्रीमियर लीग में सामान ज्यादा, तो आई वेस्ट हैम को जिता दो भाई. आई विल आल्सो गो विद द वेस्ट हैम विन 1-0 वेस्ट हैम. एस्टन विला चेल्सी, गुड टू सी मिडफील्ड बैक, कांटे कोवाचिच जॉर्जिनियो फिट, लुकाकू और हडसन ओडोई ने आज ट्रेनिंग कर लिया चालू, बहुत बढ़िया, गुड न्यूज. यार कांटे आया 6 मिनट में गेम खत्म कर दिया, गेम खत्म करके मैं तो देख रहा था भाई, मैं सुन रहा था लोगों को, लोगों ने बोला कि कांटे ने जो 6 मिनट में जो चीजें की हैं बाकी ने फुल चेल्सी करियर में उतनी उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया. कांटे तो नेक्स्ट लेवल भाई, कांटे जितना वो गेम में 6 मिनट में कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है बाकी ने फुल. कल मैच देख रहे तो चेल्सी को ने एक बढ़िया पोजीशन में फ्री किक मिली, बढ़िया मतलब डिसेंट पोजीशन,
तो बार्कले लेने लगा। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा शर्त लगा लो, ये फर्स्ट मैन क्लियर नहीं कर पाएगा, वॉल पे मारेगा ये, और कुछ नहीं करना उसको, डिलीवरी जो है बॉक्स के अंदर डालनी है, तो थोड़ा टू क्रिएट सम न्यूसेंस फॉर द डिफेंडर्स। और उसने इतनी तेज मारी हो कि वो बंदे के मुंह पे लग के और काउंटर पड़ गया। फिर उसने कॉर्नर लिया थोड़ी देर बाद, नियर पोस्ट के बॉक्स के जस्ट आउटसाइड, मस्त पोजीशन थी भाई, ठीक है, मस्त पोजीशन थी वापस, और एक कॉर्नर आया, ठीक है, एक कॉर्नर भी आया, ठीक है, उधर एक जमाने में मेरी नादान आंखों को लगता था बार्कली इज़ अ प्रॉपर प्लेयर भाई, हमको भी लगता था, मुझे भी लगता था ये चीज यार। उसके साथ पता है क्या है, वो बिग फिश इन स्मॉल पॉन्ड वाला हिसाब था उसके साथ। तो वो जब बिग एंड टू बी ऑनेस्ट यस्टरडे साउल प्लेड अ प्रीटी गुड गेम, अच्छा था साउल का, सही में साउल प्लेड, साउल प्लेइंग अ गुड गेम भाई, साउल व्हेन जॉर्जी, स्पेशली व्हेन जॉर्जिनियो केम इन, इट्स बीन 84 इयर्स चला गया भाई। मतलब साउल भाई स्प्रेड दे रहा था भाई, डिंक कर रहा था बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैं तो बोला यार दिस इज नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस एंड आई लाइक दिस, इट्स बीन 84 इयर्स भाई, गुड साउल तो कभी बनाए कब देखा था भाई, लेन कल जॉर्जिनियो भाई क्या ड्रिबल कर रहा है, एक दो बार मजा आ गया ब्रो, जॉर्जिनियो कांटे जब आए गेम चेंज, लाइक लिटरली गेम चेंज हो गया। एंड उधर कोवाचिच भाई प्रेस रेजिस्टेंट रन निकाल रहा है फर्स्ट हाफ में, वही निकाल रहा है प्रेस रेजिस्टेंट, मतलब कल जॉर्जिनियो कांटे नहीं कर सकते भाई, आई नो इट्स ओनली ब्रेंटफोर्ड एंड आई नो इट्स ओनली कैराबाओ कप, लेकिन जॉर्जिनियो कांटे क्यों वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड डुओज है वर्ल्ड में, वो दिखा दिया कल उन्होंने, मतलब क्यों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और क्रेजी बात है कि इस सीजन तो खेले भी नहीं, इस सीजन तो हार्डली एक साथ खेले, लाइक अब लाइक इफ दे स्टे फिट तो भाई चेल्सी के लिए यार, कांटे का पता है स्टाइल ऑफ प्ले ऐसा है ना कि वो फिट रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसको नहीं तुम बोल सकते कि अपना 100% मत दे, वो जब तक अपना वैरायटी वाली चीज है, लाइक मेरे को लगता है वैरायटी भी सॉर्ट ऑफ वही सिंड, लाइक क्योंकि इतना फिजिकली अपने आप को एक्सर्ट करते हैं कि दे गेट निगल्स वेरी लाइक इजीली, वैरायटी भी तो ये लाइक भागेगा और वो तो टैकल्स वो स्लाइड जो उसका दो टू फुटेड से क्लच सी करता है बॉल को, वो चीज करने में, और ये सब ये तो होता है कहीं ना कहीं, पर अब कुछ कह नहीं सकते कि लाइक व्हाई इट हैपेंस लाइक, पर भाई अगर इफ दे स्टे फिट तो भाई आधे सीजन में दे कैन लाइक कुछ तो नहीं कर सकते चेंज डेफिनेटली। गोइंग टू विला पार्क अगेंस्ट हाई फ्लाइंग एस्टन विला साइड जो कि अच्छा खेल रही है, सिटी अगेंस्ट भी दे प्लेड अ रियली गुड गेम, लिवरपूल के अगेंस्ट दे प्लेड रियली वेल, जेरार्ड ने भी काम तो अच्छा किया आके, तो मतलब क्रेडिट तो देना पड़ेगा जेरार्ड को डेफिनेटली। तो क्या लगता है इस मैच में फिर जीत रही है चेल्सी या ड्रॉ हो रहा है या पॉइंट्स ड्रॉप हो रहे हैं या विला लेके जा रही है 3 पॉइंट, मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है। टॉमी, मुझे लग रहा है टॉमी टी इस बार कुछ कर देगा, टॉमी टी कुछ अपना टॉमी टी इज गोइंग टू डू टॉमी टी कुछ अपना जूजू यूज करेगा, जूजू जीतना चाहिए यार। चेल्सी ड्रॉ करेगी भाई विला के अगेंस्ट, ड्रॉ करेगी और हम टाइटल रेस से स्लोली निकल रहे हैं। ये तो है, अभी हम टाइटल रेस नहीं, हम हमारे टॉप फोर वाले क्रेडेंशियल्स को बचा लें। यार कैसी आवाज में बोले यार आप दे भैया नहीं भाई दुख दुख तो है, दुख हो गया भाई, ये दुख का है खत्म नहीं होता भाई, बाद में जो रन में निकले हम जो इंजरीज हुई उसके बाद जो मतलब क्रेजी नंबर ऑफ एक्स जी बट नो फिनिशिंग प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये सब चीजें जो होगी तो दैट हैज ब्रॉट अस टू दिस स्टेट एंड आई थिंक एस्टन विला आर अ गुड टीम एंड ऐसा हम अपने आप को उतना शानदार टीम नहीं बोल सकते कि राइट नाउ इन दिस करंट सिनेरियो कि आई कैन से दैट इट्स अ क्लियर विन ओवर एस्टन विला, तो मुझे एक है अंदर सीन है कि ड्रॉ हो सकता है, ड्रॉ, आई विल गो विद अ 2-1 चेल्सी विन। विनायक मेरा भी कुछ लाइक आई थिंक कि चेल्सी विल विन, लाइक टॉमी टी प्रॉपर कुछ आएगा इस बार, चलो आई थिंक बाकी गेम तो पोस्टपोन हो गए हैं, आई थिंक लिवरपूल लीड्स पोस्टपोन हो गया है और यूनाइटेड मंडे को क्या है, मंडे को और एक था ना,
हाँ मंडे को तो ब्राइटन ब्रेंटफोर्ड है, मैं देख रहा हूँ जरा के यूनाइटेड न्यूकासल भी है ट्यूसडे को, बट आई थिंक ये क्या है भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या है ये ये थर्सडे फ्राइडे तो बिचारे क्लॉप बबला गया था ये क्या चल रहा है कि भाई 26 को खेल के फिर 28 को कैसे खिला रहे हो तुम क्या कर रहे हो भाई ये क्या भाई ओवर टाइम से खिला रहे हो 26 को नहीं खेल रही ना लिवरपूल इसलिए I think Liverpool अरे नहीं वो वैसे जस्ट बस वैसे सॉर्ट ऑफ लीग के लिए बोल रहा हूँ इसकी तुम 26 को मैच डे रख रहे हो और फिर 28 को भी खेल रही है कुछ टीम्स क्या भाई अप्रेजल मिल रहा है क्या उनको अप्रेजल लगातार मैच ही मैच है यार 26 27 28 29 30 ये हरकत हो गई ना ये जो ये मैचेस बीच में रह गए वो सब होएगा बस सेकंड थर्ड ये क्या है भाई लिवरपूल करा दोगे तुम बाप रे बाप ओ भाई ये तो अभी है दो को क्रिसमस पीरियड के टाइम पे भाई बीच में अगर ऐसा भी है कि एक दो दिन मतलब बिटवीन गेम वीक्स एटलीस्ट एक दिन का भाई ब्लॉक रहता है ये तो मैं कंटिन्यूस देख रहा हूँ यार चलो ये तो दिन ही नहीं ब्राइटन ब्रेंटफोर्ड पे प्रिडिक्शन लेके फिर ये तो अपन फिर मंडे से चालू करेंगे इन मैचेस पे बात करना हाँ, और इसका तो अपन सेपरेट एक पॉडकास्ट बनता है इस पे तो चेल्सी लिवरपूल के बिल्डअप पे 2 तारीख को जो हाँ, करेंगे ब्राइटन ब्रेंटफोर्ड ब्राइटन कहाँ गया हाँ ये रहा इतने मैचेस में खो गया ब्राइटन ब्रेंटफोर्ड गेम गेम बढ़िया होगा पर कुछ पता नहीं मेरे को क्या होगा मीडियोकर थोड़ा सीजन चल रहा है ब्राइटन का सडनली मतलब वो होना स्टार्ट अच्छा हुआ था फिर पिटपिटा गया ब्रेंटफोर्ड का भी वो चला गया जो एज था ना एक वो भी उनका भी एज खत्म हो गया कल मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा दिक्कत देगी ब्रेंटफोर्ड पर उन्होंने फर्स्ट हाफ में गोल मतलब कैपा बहुत बचाया हमको कैपा बचाया और दिक्कतें हमको तभी हो रही थी जब हम बॉल दे रहे थे या हम गलतियां कर रहे थे ब्रेंटफोर्ड ने खुद से कुछ क्रिएट नहीं किया एम्बुएमो के साइड में खेल रहा था वो ठीक है माजा मियाजा कुछ नाम था उसका पता नहीं ठीक है तो वो बंदा वाज क्रिएटिंग अ लॉट फॉर ब्रेंटफोर्ड बिकॉज आई थिंक एक वो रन भी लिया था जिसमें चार पांच हमारे बंदों को उसने पीछे छोड़ के भागता गया ठीक है सो इवन टोनी इज आल्सो फिट नाउ सो मतलब ही वाज रेस्टेड ही इज नॉट लाइक इंजरी था ही वाज रेस्टेड ही विल कम बैक फॉर दिस गेम एज वेल सो आई फील ब्रेंटफोर्ड कैन टेक दिस बिकॉज ब्राइटन बहुत आउट ऑफ फॉर्म लग रही है बहुत आउट ऑफ प्लेस लग रही है करंटली इवन आई थिंक एमेक्स स्टेडियम है आई अंडरस्टैंड दैट बट एंटरटेनिंग गेम एज विनायक सेड बट आई थिंक ब्रेंटफोर्ड विल टेक इट विनायक दे हैव एनफ अटैकिंग क्वालिटी मेरे को तो लाइक लेजिट लाइक नो आईडिया क्या है पर मैं ब्राइटन को जिता रहा हूँ क्योंकि उसमें कुकुर है एक्स बार्सिलोना गेट ये सब जगह भाई ये जो ब्रांड प्लेसमेंट होती है ना ये सब जगह की सीन है भाई मैं स्कूल मोर देन अ क्लब इट क्रॉसेस बाउंड्रीज आई एम गोइंग विद अ ड्रॉ 1-1 ड्रॉ फिर देखते हैं क्या होता है तो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस पॉडकास्ट और विनायक का बोला था विनायक ने कि अनलिमिटेड है लेकिन काउंटडाउन चालू हो गया इसका खत्म हो गया ज़ूम मुझे लग रहा है नॉट इट वाज सपोज्ड टू बी अ लॉन्ग लगता है मेरा भी खत्म हो चुका है भाई एग्जैक्टली लाइक मैं तो खुश हमें जीत जाए कि मेरा बढ़िया चल रहा कि मेरे पास अभी भी अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग सेशंस थे पर अब लग रहा है वो प्रिविलेज गया बस धीरे धीरे तो जिस तरीके से वेस्ट हैम और लेस्टर का मोजो खत्म हो गया है विनायक का भी खत्म हो गया चले गाइस आदि देव गुरु ज्ञान और पोजिशनल प्लेयर पॉडकास्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो जाएं चेकआउट करें शो देम सम लव मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ ध्यान रखना सब अपना ठंड बहुत ज्यादा है गर्म पानी पियो विनायक की जैसे एंड पीस आउट बिल्कुल